नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को पता है कि NIACL असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद 1 फरवरी को ज्वाइनिंग हो चुका था और कल फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई विश ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कि उनको एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिला है। तो सबसे पहले उनको मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद हम आज 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं मेडिकल एग्ज़ाम के लिए और मेडिकल एग्ज़ाम में क्या होता है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो सकती है। आपके मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे लास्ट टाइम हमारा ज्वाइनिंग कब हुआ था, 1 फरवरी हुआ था, कितने दिन में हुआ था, तो वो जो एक टाइमलाइन था वो टाइमलाइन ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मैं बताऊँगा आपको कि क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो हमें आई है तो उसमें देखते हैं कि कितने कितने बच्चों को कैसा कैसा सिलेक्शन क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है 15 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है। 15 मार्च को आप देख सकते हो स्टेट वाइज प्रोविजनल कैंडिडेट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। इसके बाद यहाँ पे दिया कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैज बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड, कंटिजेंसी लिस्ट मतलब वेटिंग लिस्ट होती है। तो आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है 25 तारीख और 26 तारीख को 11 AM टू 1 PM और 2:30 to 4:30 PM। सो दोस्तों बेसिकली क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, आपको सबसे पहले जो आपका जो रीजनल ऑफिस आपको अलर्ट कर दिया गया है, मतलब किसी को वाइजैक दिया है, किसी को मुंबई रीजन, उस ऑफिस को आपको एटलीस्ट 10 बजे तक रिपोर्ट करना है, 10 AM। मतलब कभी भी कर सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेडिकल के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप 10 AM के करीब करीब आप उस आरओ पे जाइएगा, वहाँ पे रिपोर्ट करिएगा। उसके बाद वो आपको एक मेडिकल सेंटर पे भेजते हैं वो होने के बाद। तो जब मेडिकल सेंटर उनके पास होता है, यदि आपको मेल भी दिया होगा तो उस मेल में भी आपको मेडिकल सेंटर के बारे में बताया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है आरओ को यार जहाँ पे आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला है वहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद वो आपको रूट करेंगे किसी भी अस्पताल जो उनके अंडर में होगा, कहीं पे भी आपको ये कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ओरिजिनल एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द सेम, द एड्रेस ऑफ ऑल द ऑफिसेस आर मेंशन ऑन। सो जो ऑफिस मेंशन किया वहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ फोटो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, जो कुछ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन की PDF जो दी गई है, वो इंस्ट्रक्शन की PDF मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो PDF की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी ही है। तो आप प्लीज़ वो लिंक भी देख लीजिएगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस चलो लेट्स मूव ऑन टू द जो इंस्ट्रक्शन पेज की जो PDF है वहाँ पे जाते हैं। हाँ यह है इंस्ट्रक्शन पेज की PDF। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंटआउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेट सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, इशू बाय कॉम्पिटेंट म्यूनसिपल अथॉरिटी और स्टैंडर्ड एक्ट सर्टिफिकेट, दोनों और है दोस्तों, दोनों नेसेसरी नहीं। एक तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट अलग होता है, 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है, सर्टिफिकेट पे बर्थ डेट मेंशन की होती है, इसलिए उन्होंने एक वैल्यूएशन दिया। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ यदि नहीं है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट तो लगने ही वाले। हाँ, और यहाँ पे दिया है कि ये होगा, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट ग्रेजुएशन इक्वल अलॉन्ग विद प्रोविजनल एंड फाइनल सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब यदि आपने 8 सेमेस्टर्स में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है तो आपको 8 सेमेस्टर के मार्कशीट तो लगेंगे ही। उसके बाद जो डिग्री सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया गया है वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। मतलब आपको मार्कशीट तो लगने ही वाले 8 ही सेमेस्टर के, और उसके बाद जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट वो भी लगने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन। नीचे दिया गया है कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको भी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मतलब उनको भी सब जितने सेमेस्टर है पोस्ट ग्रेजुएशन के उतने मार्कशीट लगेंगे, सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका OBC SC ST है उनका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद और एक उन्होंने कहा है कि जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप कौन सा भी एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे ले सकते हो। यदि यहाँ पे नीचे आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया गया, आधार कार्ड और पैन कार्ड छोड़ के आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो,
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से एक की ज़रूरत आपको है, क्योंकि पैन कार्ड की और आधार कार्ड की कॉपी उन्होंने ऑलरेडी मांगे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और उसके दो सेट्स आपको चाहिए लगने वाले हैं। ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए है और OBC के लिए है, जिनके पास जिनके कास्ट से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने बराए कि हम OBC से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी है। कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय द अथॉरिटीज़, वो तो ऑलरेडी हमेशा ही होता ही है। और यहाँ पे नॉन क्रिमिनल एक क्लॉज है OBC वालों के लिए, तो ये नॉन क्रिमिनल आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी डेट आपको 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 31 मार्च तक के एंडिंग के बोला, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का आपको तो मिल नहीं सकता, इसलिए आप ये भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो OBC SC ST वालों के भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो एक सर्विसमैन होते हैं उनके लिए जो कुछ क्लॉजेज है तो उन्होंने देख लीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे क्या क्या बताया है क्या क्या नहीं बताया है। तो एक सर्विसमैन लोगों ने यहाँ पे देख लिया, काइंडली नोट दैट एक सर्विसमैन मस्ट रिलीज फ्रॉम द सर्विसेज आर्म फोर्सेज बाय 31 जुलाई के पहले ही, उनको यदि आर्म फोर्सेज ने रिलीज किया है तभी वो फर्दर एक्सटेंशन, ओके 2019 है यहाँ पे, उसके पहले ही तो आपको रिलीव करना चाहिए। शुड बी एबल टू जॉइन कंपनी बाय 1/8/2019, एनी फर्दर एक्सटेंशन जॉइनिंग विल नॉट बी कंसिडर। मतलब उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में बता दिया है कि यदि हमारा जॉइनिंग यदि अप्रैल में होता है तो मई जून जुलाई 3 मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सटेंशन मिलेगा, उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये किसके लिए? एक सर्विसमैन वालों के लिए। नीचे यदि आपके यहाँ पे कोई नेम मिसमैच है या कुछ बर्थ डेट गलत है तो आपका जो एफिडेविट होगा तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एफिडेविट आपको लगने वाला है वहाँ पे। सो यहाँ पे एफिडेविट उन्होंने मांगा है कि आपका नेम मिसमैच है, बर्थ डेट मिसमैच, और नेम भी यदि मैरिज सर्टिफिकेट में नाम अलग है या कुछ अलग है तो उसका भी एफिडेविट आपको लगने वाला, तो वो भी आप लेकर जाइएगा। इसके बाद जो ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉय को उनकी तरफ से जो NOC का लेटर होता है दोस्तों, को वही NOC लेटर आपको लेके जाना है। सो प्लीज़ ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ यू टू एनेबल RO टू असर्टन द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर दिस रिक्रूटमेंट फॉर द वेरिफिकेशन। सो गाइज ये सब अभी दिया है मैंने, तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि जो एक्सपेक्ट मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों मेडिकल एग्ज़ाम में पहले ही बताया कि आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, सबसे पहले रिपोर्ट, उसके बाद आपको RO को रिपोर्ट करना। आप जब मेडिकल यहाँ पे जाते हो तो बहुत ही इजी मेडिकल, हार्डली आपको 30 मिनट्स पूरे टेस्ट कंप्लीट करने में लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लोग हो गए भी नहीं, क्योंकि हमारा तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ था, हम ज़्यादा लोग थे जब जनवरी में दिसंबर में गए थे मेडिकल के लिए, 19-20 दिसंबर को हमारा हुआ था। तो वहाँ पे कौन से टेस्ट होते हैं बेसिकली आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एक होता है, आपका ECG होता है, ये 3 प्रोमिनेंट टेस्ट आपके होते हैं दोस्तों। और बाद में वेट, हाइट, ये नॉर्मल चीज़ें होती है। वहाँ पे कोई किसी की आंखें चेक नहीं की जाती कि भाई इसको दिखता है, ये वो नॉर्मल विजन है। यदि आपके यहाँ पे मेंशन किया होगा तो अभी तक तो मैंने कहीं पे सुना नहीं है कि आई चेकिंग होती है क्या, कुछ नहीं होती, लेकिन एक नॉर्मल मेडिकल होता है। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई बोलेगा मेरा तो यही प्रॉब्लम, मेरा तो वो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सिंपली ब्लड टेस्ट होगा, सिंपली यूरिन टेस्ट होगा, सिंपली ECG होगा, सिंपली हाइट और वेट चेक होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सो ये हो गया मेडिकल में क्या क्या इसके बारे में। लेकिन दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि ज्वाइनिंग कब होगी। देखिएगा दोस्तों, आपका जो मेडिकल होने वाला है 25 मार्च को और 26 मार्च को होने वाला है, तो लगभग इसके बाद हम 10 डेज पकड़ के चल सकते हैं, 10 डेज, 10 to 12 डेज। तो आता है हमें 6th और 7th अप्रैल के अराउंड, शायद 6th और 7th अप्रैल को, 6th और 7th अप्रैल को कुछ कहीं ना कहीं तो ये आ रहा है सैटरडे संडे, तो शायद वहाँ पे छुट्टी है। तो आपका 5th to 8th अप्रैल के बीच में आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। क्या अपॉइंटमेंट लेटर? आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट लेटर, नॉट अबाउट द जॉइनिंग। सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको आता है, उसके बाद जॉइनिंग होती है। दो चीज़ें अलग अलग होती है दोस्तों। आपको अपॉइंटमेंट लेटर तभी मिलता है जब आपका NOC सबमिट करते हो,
और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको एक डेट दी जाती है, ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट शायद दोस्तों हमारा बहुत ही लेट हुआ था, क्योंकि इस साल हमारा लेट हो गया क्योंकि शायद उनके कुछ फंक्शंस थे। 100 साल कंप्लीट कर रही है दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ईयर 100 साल कंप्लीट करने वाली थी। तो आप एक बहुत ही अच्छे मौके पर यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हो, क्योंकि जुलाई में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे 100 साल, और आपका जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल के आपका जो ज्वाइनिंग होगा ना दोस्तों, तो आपका ज्वाइनिंग वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तो डेफिनेटली होगा, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। सो आई थिंक जिनको मुंबई मिला है दोस्तों कि वो शायद बहुत ही अच्छा स्कोप रहा है। अगर आप लोग बोलते हैं कि वहाँ पे दूर पड़ता है घर से, तो उसके बारे में मत सोचिएगा दोस्तों। मुंबई इज़ अ बेस्ट लोकेशन फॉर योर करियर ग्रोथ, करियर प्रॉस्पेक्ट, एंड आप वहाँ पे ज़्यादा सीख भी सकते हो मुंबई में यहाँ पे। और यहाँ पर क्लाइमेट वगैरह आपको थोड़ा 2-3 दिन, 10 दिन, 15 दिन प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन बाद में इट्स अ नाइस सिटी, इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। फॉर मी, मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक तो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। यहाँ पे आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रेट है और अच्छा। बाहर यदि आप यहाँ पे एक मेन पॉजिटिव यहाँ पे एक है दोस्तों कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है दोस्तों। आप प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, पर्सनल लाइफ, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है और बहुत छुट्टी है दोस्तों। आपको पता नहीं कि यहाँ पे 5, कभी कभी तो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही काम करना पड़ता है, क्योंकि छुट्टियाँ, गवर्नमेंट हॉलीडेज आ जाता है, तो कुछ ना कुछ इधर उधर फंक्शंस वगैरह रहते हैं। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर, हमारा अभी भी ट्रेनिंग भी खत्म होगा, शायद आप ट्रेनिंग तो एक्सप्लोर कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग एक्सप्लोर किया। 90 डेज़ का हमारा ट्रेनिंग, सॉरी 90 लोग थे हम ट्रेनिंग को, 95 लगभग, शायद 4-5 लोग ने छोड़ दिया था। सो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रेनिंग तो शायद इतना इंजॉयबल नहीं होगा, लेकिन आई होप कि आप इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में आए हो तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा आगे जाने के लिए। कुछ एग्ज़ाम्स होगी उसको क्रॉस करने के लिए, लेकिन आगे की बातें ऐसे, अब खुशियाँ मनाओ कि आपको अच्छी जॉब लग गई है अच्छी जगह पे। जो कुछ भी सोच रहे होंगे कि SBI छोड़ के, उनके लिए शायद मैं एक डिमांड होगी तो अलग वीडियो बना दूंगा, SBI का क्या है, कहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, NIACL या SBI। सो आई होप गाइस की आप सभी को समझ गया होगा कि आपका ज्वाइनिंग कब आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट। सो आई विश ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।